जो सामने आ रही है, ऐसे में अब देखना ये है कि आगे ये जो कांग्रेस का पार्टी है आगे किस तरीके से जाती है, कहां से आगे क्या बयान सामने आते हैं। और अगर आप यहां पर दूसरी खबर की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती जा रही है और यह कारण है कि बीते 24 घंटे में 52 में से 35 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि 8 जिलों में तो कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं आया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर को छोड़ दिया जाए तो शेष 41 जिलों में जो है कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या दहाई का आंकड़ा जो है वो नहीं छू सका है। वहीं गुरुवार को 420 कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो इनमें से ठीक होने वाली संख्या जो है 1132 हो चुकी है, यानी कि लगातार यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होता जा रहा है और घटकर जो है 0.5% पर आ गया है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि ये शून्य पर कब आ जाता है। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का पॉजिटिव रेट कम होता जा रहा है ये एक अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अब तीसरी लहर के लिए भी सब परेशान हैं, ब्लैक फंगस से भी परेशान है। ऐसे में इस पॉजिटिव रेट का कम होना अच्छा माना जाए या फिर आगे के लिए चुनौती माना जाए? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी बात है कि 60 दिनों के बाद थोड़ा सा प्रदेश में राहत की खबर आई। लगातार आपने देखा होगा सेकेंड वेव में जिस तरह के घटनाक्रम घटे, घटनाक्रम से मेरा तात्पर्य है संक्रमण जिस तरह से घटे, उसके बाद लोग काल कवलित हुए, उसके बाद जो हाहाकार मचा उसको मैं हाहाकार की भाषा में कहूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में ये सुखद परिणाम आना कि आज की परिस्थिति में हम 0.5% पे आ गए, तो इसका मतलब बहुत जल्दी शायद एक आध दो दिन में ही हम 0% पर जाएं। लेकिन पूरा प्रदेश अब अनलॉक होने की स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि जी आपकी पॉजिटिविटी रेट जरूर घट गया है लेकिन संक्रमण दोबारा नहीं लौटेगा, इस बात की गारंटी तो आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार भी आपको बार बार चेता रही है, बार बार आपको एक तरह से आग्रह कर रही है कि आपको संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सावधानी बरतना पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग। जिस तरह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, खासकर मैं भोपाल राजधानी की बात करूंगा, कल ग्वालियर की घटना की बात करूंगा, जिस तरह से बाजारों के जब खुले हैं तो लोगों ने जो बेतरतीब भीड़ बढ़ाई है उससे लगता है कि संक्रमण की रफ्तार रोकना कठिन हो जाएगा, और जब तीसरे वेव की लगातार आमद की बात कही जा रही है उसके लिए सावधानी बरतना जरूरी होगी। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जुड़ चुके हैं। अशोक शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि लास्ट जब वेव आई थी, पहली वेव आई थी, उस वक्त भी जो है पॉजिटिविटी रेट कम तो हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जब ये सेकेंड वेव आई तो एकदम से इतना कुछ हुआ कि देखने मतलब तस्वीरें हमारे सामने थी कि क्या हुआ था और इतना बड़ा हाहाकार मचा। अब क्या लगता है कि ये जो फिर से पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है इसमें तीसरी वेव के पहले ये एक कह सकते हैं कि चुनौती के तौर पर देखें इसको, अच्छी खबर की तरफ देखें, या फिर तैयारियां जो है उसे और मजबूत करने की जरूरत है यहाँ पे? देखिए, संक्रमण कम हुआ है और खुद सरकार ये कह चुकी है, मुख्यमंत्री कई बार ये कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है, तो हमें हर स्तर पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके लिए जहां हमें अस्पतालों में इंतजाम करने पड़ेंगे वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार हमको बढ़ानी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कैसे वो मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में कम जाएं, तो ये सब एहतियात तो आपको बरतने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बरतेंगे तो जिस तरह से दूसरी लहर आई और फिर उसका कहर हम लोगों ने देखा, बड़ी संख्या में लोग जाने चली गई, अब तो ब्लैक फंगस भी है इसके साथ में, तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, लोगों को बचना चाहिए। खासकर तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वो भले कांग्रेस का एक एजुकेशन करना है जो पेट्रोल के लिए, या कल जिस तरह से सिंधिया के दौरे हम लोग देख रहे थे, सबसे पहले नेताओं को एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा जनता के लिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसे आयोजनों से बचें जहां भीड़ भाड़ हो, तभी वो लोगों को ये कह सकेंगे कि साहब आप लोग भी जो है थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, सतर्कता रखें। तो जरूरत है इस बात की है कि हम लोगों को हर स्तर से सतर्क रहना है, तैयारियां भी करनी है, वैक्सीनेशन भी करना है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो इसके लिए गाइडलाइन है उसका भी पालन करना है। शुक्ला जी, आपने बहुत मुफीद बात कही है, अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा। आपने चूंकि राजनीतिक दलों का हवाला देते हुए बात कही है, तो इन राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, जो इनके संगठन के एक तरह से प्रखर काम करने वाले लोग हैं, इनको एक गाइडलाइन क्यों नहीं जारी कर देना चाहिए कि अगर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होता है या राजनीतिक दौरा होता है तो इसमें सीमित लोग जाएं, ऐसा क्या लिखित आदेश जारी नहीं किया जा सकता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? बिल्कुल करना चाहिए दीक्षित जी, और मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्हीं को जो है नियम कायदों का पालन करना। हाँ, चूंकि आपने कहा ना कि इनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जी,
इनको आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कम से कम प्रदेश में संकेत तो देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग रोल मॉडल है हम लोगों के लिए। जैसा ये लोग करते हैं, देखिए पीछे जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, अगर उसी वक्त जो है नेताओं ने जो है राजनीति में हिस्सा ना लिया होता, मतलब इसको चुनाव में हिस्सा ना लिया होता, तो मुझे लगता है कि जिस भयावता का सामना हम लोगों ने किया है, मतलब इसकी जनता ने किया है, शायद वो नौबत नहीं आती। लेकिन खैर जो हुआ उनको छोड़ दीजिए, अब आगे इन लोगों को कम से कम कागज प्रस्तुत करना चाहिए, और साथ में सबसे पहले इन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि ये लोग बच रहे हैं राजनीतिक नफे नुकसान को दरकिनार करके, ये सबसे पहले प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक बात, बिल्कुल। अच्छा शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपका मैं चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सारी चर्चा के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिविटी रेट जो है कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सावधानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, यानी कि थर्ड वेव जो है वो आने में है, और यहाँ पर संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो 15 से 20 दिन में जो है आ जाएगी, ऐसे में बच्चों को ज्यादा खतरा भी बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सावधानी जो है वो ये रखना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, साथ ही मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, और 2 गज की दूरी जो है बिल्कुल बना के रखिए। अभी फिलहाल में इसमें बेफिक्र मत होइए कि कोरोना जो है चला गया है, अभी फिलहाल कोरोना का जो है असर अभी भी हो सकता है, और आगे थर्ड वेव जो है वो और भी घातक हो सकती है, इसलिए सावधान रहे। हमारी खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।